कौसाम्बी जनपद में महिला अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को दलित किशोरी से गैंगरेप का मामला अभी लोग भूले भी नहीं थे कि रविवार को महिला के साथ दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। महिला को CSC कनेली में भर्ती किया गया था, जहां पर हालत नाजुक देख डॉक्टरों ने हायर सेंटर मंझनपुर रेफर कर दिया, जहां पर महिला का इलाज चल रहा है। कौसाम्बी थाना क्षेत्र के कायमपुर की रहने वाली विवाहिता को हैवान बने उसके पति शैलेश ने शराब के नशे में जमकर पीटा। इतना ही नहीं, इंसानियत की सारी हदें पार करते हुए पति ने महिला के मुंह में कपड़ा ठूंसकर पहले निर्वस्त्र किया, आंखों पर पट्टी बांधी और फिर उस हैवानियत की, जिससे महिला बेहोश हो गई। पति ने उसे मरा समझकर गांव से ही कुछ दूर पर फेंक कर फरार हो गया और मायके वालों को फोन पर बताया कि उनकी बेटी घर से भाग गई है। जानकारी होने पर परिजनों ने बेटी की खोजबीन शुरू की। उनकी बेटी खून से लथपथ हालत में मिली तो परिजनों ने बेटी को CSC कनेली में भर्ती कराया, जहां हालत नाजुक होने पर उसको मंझनपुर जिला अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है। उधर परिजनों की शिकायत के बाद CEO सदर ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। कहाँ कहाँ चोट कनेली से जो है एक महिला आई है, जिसको करीब 5 से 6 दिन पहले वो कह रही है कि उसके साथ शारीरिक दुष्कर्म किया गया है। उसके प्राइवेट पार्ट में ये चोटें हैं, सिस्टर को बुला के और डॉक्टर को दिखा दिया गया है। वहाँ से थोड़ा घाव भी है और थोड़ा सा खून वगैरह भी आ रहा है उसके आसपास से, लेकिन जो है उसको भर्ती करके इलाज चल रहा है उसका। हालत अभी जो है खतरे से बाहर है। सर, मैं घर के अंदर पिछवाड़े वाले कमरे में खाना बना रही थी, मेरा पति बाहर से पी के दारू आया, मुझे गाली देते देते उसके बाद मेरे मुंह में मेरा पीटा, उसके बाद मेरे मुंह में कपड़ा ठोंस दिया, कपड़ा ठोंसने के बाद मेरे आँख में पट्टी बांध दिया, जब उसके बाद मैं बेहोश हो गई। देखिए, कौसाम्बी थाना क्षेत्र की एक घटना प्रकाश में आई है, जिसके संबंध में पति पत्नी का विवाद प्रथम दृष्टया परिलक्षित हो रहा है। उसके संदर्भ में उसने जो है प्रार्थना पत्र दिए हैं कौसाम्बी थाना में, हमारे FIR दर्ज कर लिया गया, उसका मेडिकल भी कराया गया है और अन्य जो विधिक कार्रवाइयों से हम लोग व्यवहार में ला रहे हैं। और जाँच के दौरान हम लोगों को जो प्रथम दृष्टया तथ्य प्रकाश में आए हैं वो पति पत्नी के विवाद के रूप में है, और उसकी शादी करीब 15-20 साल हो गया शादी हुए और बच्चे भी बड़े हैं। उसने मुकदमा जो लिखवाया है अपने पति और जेठ और ससुर के खिलाफ लिखवाया है, और अन्य जो विधिक कार्रवाइयाँ वो लोग हम लोग विवाद कर लाएंगे और जो सत्य होगा उसी आधार पर कार्रवाई करेंगे।